क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजस्थान के नागौर और उत्तर प्रदेश के मथुरा से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आप कह उठेंगे कि आखिर आजादी के 67 साल बाद भी जिंदा है सामंतों का आतंक। राजस्थान के नागौर में दबंगों ने 3 दलितों को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया। महिलाओं को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो वहीं मथुरा में पानी पर पहरा लगा दिया गया है। यहां नल पर दबंगों ने ताला लगा दिया है ताकि दलित नल का इस्तेमाल न कर पाए। मरुभूमि खून से लाल हो गई। खूनी जंग में 4 लोगों की जान चली गई। चीख पुकार और मातम का माहौल मचा। राजस्थान के नागौर में जबरदस्त खून खराबे के बाद दहशत का माहौल है। 2 समुदाय में हुई खूनी भिड़ंत में 4 लोगों की जान चली गई है। 1 दर्जन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का सिर फूट गया है। ये बच जरूर गए हैं लेकिन मौत का खौफ इनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, पूरा इलाका सहमा हुआ है, लेकिन तुरंत कार्रवाई करने के बजाय प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया बेतुका बयान दे रहे हैं। कई बार लोग इधर हो जाते हैं, जो लोग इस प्रकार के होशियार होते हैं तो एकदम कोई ऐसा जादू तो नहीं हमारे पास कि तुरंत आदमी को ढूंढ लें, पर हमारी पुलिस कोशिश कर रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान का आज का कोई ऐसा संगीन केस बाकी नहीं है जिसको हमने ट्रेस आउट नहीं करके मुलजिम नहीं पकड़े हैं। इसको भी करेंगे। कटारिया ने कहा है कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं जो तुरंत आरोपियों को पकड़ दे। आपको बता दें कि नागौर के मेदता सिटी में 14 मई को दबंगों ने जमीन विवाद के चलते 3 लोगों को ट्रैक्टर से कुचल कर मार दिया था। गोलीबारी में 1 शख्स की जान चली गई थी। दबंगों ने महिलाओं और बच्चों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जिसके बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस को सूचना के बावजूद भी दौड़ा दौड़ा करके पीट पीट करके इनको मारा है। ये बड़ी घटना है, इनसे बड़ी क्या हो सकता है। SP साहब और पुलिस प्रशासन अधिकारी सो रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह की घटना में CM साहब कोई उचित निर्णय नहीं ले तो हो सकता है पूरे राजस्थान भर का समाज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। दरअसल ये विवाद जमीन का था। गंगाबाद गांव के मेघवाल समाज और जाट समाज के लोगों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी जमीन विवाद के चलते 14 मई को दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद गोलीबारी में 1 शख्स की मौत हो गई। बस फिर क्या था, इसके बाद कई दलितों को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। इसके बाद हुई फायरिंग और आगजनी में 10 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। मीटिंग करके यह निर्णय लिया है कि इसके बारे में ज्ञापन दिया जाएगा और जो ये पुलिस लापरवाही हुई है, 3 किलोमीटर पास होने के बावजूद समय पर नहीं पहुंची और इसके कारण इतने हत्याकांड हुआ, ये जघन्य हत्याकांड हुआ है। अहम बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने 200 लोगों को आरोपी बनाया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। संजय गर्ग, नागौर, इंडिया न्यूज। और इस पूरे मामले में ताजा अपडेट दे दें आपको, बड़ी खबर इस वक्त की ये आ रही है। 200 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 1 की गिरफ्तारी अब जाकर राजस्थान पुलिस की ओर से की गई है। नागौर हत्याकांड मामले में रामदेव नाम के 1 आरोपी की अजमेर से गिरफ्तारी हुई है। जमीन विवाद में 4 लोगों की हत्या हुई थी, जो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई है। 200 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और अब जाकर इतने घंटों के बाद 1 गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस की ओर से की गई है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा बदलाव क्या लेकर आए हम समाज के भीतर, किस अभियान के जरिए, ताकि एक बेहतर स्थिति हमें देखने को मिले। और इसी पर चर्चा करेंगे। 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं पूर्व DG यूपी पुलिस के विक्रम सिंह जी, डॉक्टर अर्चना शर्मा जी कांग्रेस लीडर हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं, सुमन शर्मा जी बीजेपी की नेता जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा
साहिब सिंह साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इन चारों से चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले राजस्थान के नागौर की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाते हैं। मथुरा यानी भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहां भक्ति की धारा बहती है। लेकिन इसी मथुरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने समाज को शर्मिंदा करके रख दिया है। कृष्ण की नगरी में दबंगों ने पानी पर पहरा लगाया है। ये आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है जहां पानी पर पहरा है। जंजीर से नल को बांध दिया गया है ताकि कोई पानी न भर सके। ये तस्वीरें मथुरा की। मथुरा में एक दबंग ने अपने घर के बाहर लगे सरकारी नल पर ताला जड़ दिया ताकि कोई और इस नल से पानी न भर सके। जी कई दिन आते यहाँ पे ये ताला लगा दे हुए और पानी ना भरने, लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि पानी टाइम पे मिले ना है, और ये तालो जावर लगा अपने अपने पानी भर ले हुए और काऊ और दूसरे पानी ना भरन दे। गरीब लोग हैं उनने ये मारपीट के भगा दे हुए यहाँ ते नल पे थे और नो कहना है कि केवल हम ही पानी भरेंगे, नल हमारा है और का ये पानी ना भरन दे। ये तालो लगा दिया था वो अपनी दादा लाइक मानते। पीने के लिए पानी की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब आलम यह है कि लोग टैंकर से पानी खरीद कर पीते हैं, लेकिन पानी पर पाबंदी लगा देने वाले दबंगों पर पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सवाल ये है कि आजादी के 67 साल बाद भी पानी पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, क्यों दबंगों पर नहीं लगाई जा रही है लगाम। मथुरा से रवि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मई का महीना है, गर्मी अपने चरम पर है, लेकिन पानी पर ही लगा दी गई है पाबंदी। और इसी पर सबसे पहला सवाल विक्रम जी आपसे ही मेरा ये है, जिम्मेदारी और जवाबदेही इस पूरे मामले में किसकी बनती है? चित्रा जी, सबसे पहले ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अगर हम राजस्थान के प्रकरण को देखें तो ये प्रकरण सर 1964 से चल रहा था। 200 व्यक्तियों के ऊपर गुमनाम FIR है, 13 चिन्हित है और उसमें एक गिरफ्तारी। क्या वहां पर कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया जाना? माननीय मंत्री जी का ये कथन कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो जादू की छड़ी तो किसी भी पुलिस बल के पास भारत में या विश्व में नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति जरूर है और इच्छा शक्ति ही जादू की छड़ी में परिवर्तित हो जाती है अगर आप चाहें। लेकिन अगर आप ना चाहें, इस प्रकार के बयान जिससे ये गंध आती है कि आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि अगर आप पक्षपातपूर्ण न होते तो अब तक गिरफ्तारी हो गई होती, इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं न होती, पुनः दोबारा कल के दिन अस्पताल में दलितों पर आक्रमण न होता और जो हुआ। तो सबसे पहले प्रशासन की जिम्मेदारी है और उसके बाद आती है राजनीतिक जिम्मेदारी। स्थानीय पुलिस अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्य से इतिश्री नहीं समझ सकता है और यही बात मथुरा के ऊपर लागू होती है। आपराधिक अभिसूचना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है पुलिस का, और अगर आपराधिक अभिसूचना ली गई होती तो हैंडपंप पे ताला लगाने की बात तो भूल जाएं, वहां पर कोई यह भी दुस्साहस न करता कि किसी को रोकता। बिल्कुल सही कहा आपने, हिम्मत ही नहीं होती अगर वहां का प्रशासन और पुलिस सख्त होती तो। लेकिन सुमन जी आपसे मेरा ये सवाल है, अगर गृह मंत्री की ओर से ही राजस्थान के इतना बेतुका बयान दिया जाएगा तो न्याय की उम्मीद फिर हम किससे करें? देखिए चित्रा जी, मंत्री जी के बयान को यदि आप सुनेंगी गौर से, उन्होंने बहुत सरलता से ये बयान कहा कि देखिए कितने दिन में पकड़ा जाएगा या कब गिरफ्तारी होगी, तो उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही की वजह से नहीं हो रहा है, इसको नहीं पकड़ा गया। एक बहुत ही सरल बयान था, मैं ये नहीं मानूंगी कि उनके बयान में गृह मंत्री एक सरल बयान देंगे वो भी इतने गंभीर मुद्दे पर। राजस्थान पुलिस की इससे तो आप साफ साफ ये बता रहे हैं कि दरअसल सरकार के भीतर गंभीरता ही नहीं है। मेरी बात सुनिए चित्रा जी, किसी बयान को लेके हम लोग उलझने के बजाय हमारी सरकार या पुलिस की कार्रवाई पे अगर नजर डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। 200 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है और एक की गिरफ्तारी भी, आपके चैनल पे आने के पहले मैंने अभी सुना कि एक की गिरफ्तारी भी हो गई है, और ये विश्वास दिलाती हूं मैं कि आपके चैनल के जाने के बाद या रात तक मुझे लगता है कि वो नामजद जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन ये घटना हुई, ये घटना दुखदायी है, हमें भी दुख है, और किसी चीज के हम अभी आधे घंटे में पकड़ लेंगे ये DGP हो या राजस्थान के गृह मंत्री हो ये तय नहीं कर सकते हैं। नहीं, उनके कार्य की सफलता को भी नापा नहीं जा सकता। पुलिस गंभीर नहीं है या सरकार गंभीर नहीं है, कोशिश की ओर ध्यान देना चाहिए कि कोशिश हो रही है कि नहीं सरकार की तरफ से। कोशिश तो बयानों में भी झलकनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी के प्रसंज्ञान में भी है। नहीं नहीं,
आपकी बातों से करते हैं तो बात नहीं रखा जा सकता है। अगर जादू की छड़ी की बात गृहमंत्री करने लगेंगे फिर विश्वास किस पर करे आम जनता। और इसी सवाल के साथ डॉक्टर अर्चना शर्मा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जो बातें यहां पर सुमन जी की ओर से कही जा रही हैं, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखेंगी कि सरकार की ओर से प्रशासन की ओर से गंभीर कोशिश इस पूरे मामले में की जा रही है और गृहमंत्री ने जो कहा वो बेहद सरल शब्दों में कहा और उसको गलत तरीके से ना लिया जाए। देखिए चित्रा, ये बहुत ही गंभीर मामला है और गृहमंत्री का वक्तव्य एक संदेश भी देता है कि अक्षम यहां का शासन और प्रशासन है। गृहमंत्री आदतन ऐसे बयान देने की उनकी कह सकते प्रवृत्ति बनी हुई है। वो सिर्फ गृहमंत्री नहीं आपदा मंत्री भी है राजस्थान। किसानों के प्रति असंवेदनशील वक्तव्य विधानसभा के पटल पर और विधानसभा के पटल पर उनके द्वारा ये भी कहा गया कुछ समय पूर्व कि पुलिस की भूमिका घटना घटने के बाद शुरू थी, घटना को रोकने के पुलिस के लिए पुलिस नहीं है। उसके बाद उनका थोड़े दिन पहले वक्तव्य आया कि नहीं नहीं राजस्थान की पुलिस 90% केसेस का संधारण भी करती है, अनुसंधान भी करती है, समाधान भी करती है। और उसके बाद आज कहते हैं कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं। यानी निरंतर वक्तव्य बदलना, गंभीर मामले में जो सुमन जी की भाषा में सरल वक्तव्य देना, मुझे लगता है कि अपनी कार्यशैली को सरलतम तरीके से समझाने का ऐसा प्रयास जो जनता में अविश्वास पैदा कर रहा है। नागौर की जो घटना है शर्मसार कर गई राजस्थान को। कमोबेश ये शांति प्रिय राज्य है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 15 महीनों में वर्टिकली ग्राफ राइज कर रहा है? प्रतिस्पर्धा थी लग रही मुझे मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार से कि जो ये भाजपा शासित इक्के दुक्के राज्य हैं आसपास के उनके साथ प्रतिस्पर्धा करें। राजस्थान में कभी महिला शोषण इस तरह चरम पर नहीं था, दलितों पर शोषण इस प्रकार का नहीं था। यानी कि आपकी कहने का मतलब यह है कि लगातार स्थिति खराब होती हुई चली जा रही है राजस्थान की और सरकार इस बात को लेकर कतई गंभीर नहीं है। लेकिन समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाली सरकार के राज में लग गई है पानी की पाबंदी। और इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी साहिब सिंह जी। महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि आपके राज में क्या अब स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी कि पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ेगा? चित्रा जी देखिए ऐसा है, पहली बात तो यह है, अब यदि पानी के संबंध में इस तरह की कोई बात या इस तरह का कोई काम किया गया है तो वो बिल्कुल जो है निंदनीय है। और जिले के स्तर पर ही जिला प्रशासन को इस समस्या का समाधान करना चाहिए था। मान लिया इस तरह का पानी रोकने का काम हुआ, कोई शिकायत गई होगी, कोई जानकारी आई होगी, तो जिला प्रशासन पर इस समस्या का समाधान होना चाहिए था। और यदि वहां नहीं हुआ है तो ये मामला संज्ञान में आया है तो वहां के जिला प्रशासन से बात की जाएगी। और पानी का सबका अधिकार है, किसी को पानी रोकने का या किसी को पानी ना मिले तो ये बात गलत है। पूरे मामले में कार्रवाई कब तक की जाएगी वहां की जनता? कार्रवाई संज्ञान नहीं नहीं जा रहे, अभी कार्रवाई बात करी जाएगी और वहां के जिला प्रशासन से बात करी जाएगी और उसमें जो भी संभव होगा, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कराई जाएगी। चलिए, इस बात का आश्वासन आप जरूर दे रहे हैं साहिब सिंह जी, लेकिन सवाल ये है कि आपकी सरकार के राज में ऐसी नौबत ही क्यों आई कि पानी पर ही पाबंदी लग गई? एक और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ किस तरह का अभियान चलाया जाए ताकि कानून के राज को हिन्दुस्तान में मजबूत किया जा सके? और विक्रम सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। ब्रेक के समय आपने बोला था दरअसल राजस्थान के गृहमंत्री की ओर से अपनी जुबान से मरहम लगाने की कोशिश की जानी चाहिए थी लेकिन उनकी ओर से मिर्च छिड़का गया। क्या अपनी जिम्मेदारी से सरकारें भी अब बचने लगी हैं? चित्रा जी, सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि जब आप सत्तारूढ़ हैं आपको इसमें भेद करना चाहिए कि आततायी कौन है और पीड़ित कौन है। आपका पक्ष पीड़ित की तरफ होना चाहिए, स्वविवेक पीड़ित की तरफ होना चाहिए और ऐसी बातें करनी चाहिए और कार्य करना चाहिए जिससे कि पीड़ित और उनके घाव को मरहम लगे। ऐसी कोई बात या कोई ऐसा संदेश न दे अपनी बात से जिससे कि उनको पीड़ा हो। और जो भी इस पूरे मामले में दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। वक्त की कमी है सर आपका, और साथ ही हमारे साथ जो तीनों मेहमान जुड़े हुए थे उन सबका बहुत शुक्रिया अभियान का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन इन दोनों ही बड़ी खबरों के बाद एक बात नजर आती है, किसी शहर के कातिल बुरे नहीं होते, दुलार करके हुकूमत बिगाड़ देती है। हुकूमतें जब आंखें बंद कर लेंगी तो समाज में ऐसी ही स्थिति पैदा हो जाएगी। अभियान में आज के लिए फिलहाल इतना ही।